हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है लखनऊ रुचि ब्यूटी चैनल। आज का टॉपिक बहुत ही सिंपल है। जिस तरह से हम लोग अपने फेस का ख्याल रखते हैं, अपने हाथ अपने पैरों का ख्याल रखते हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर कराते हैं, अपनी आंखों का ख्याल रखते हैं, उस पर मस्कारा काजल लगाते हैं ताकि वो और भी सुंदर दिखे, उसी तरह से हमें अपने लिप्स का भी ख्याल रखना चाहिए ताकि वो हमारे स्मूथ हो, पिंक हो और नेचुरली ग्लो करें। तो ऐसा ही लिप्स काले हैं या कहीं कहीं मतलब कि फटे फटे रहते हैं, कभी ठीक नहीं होते हैं, और जब भी आप कोई भी क्रीम लगाते हो उसके बाद कुछ दिन बाद फिर वैसे ही हो जाते हैं। तो परेशान मत होइए, मैं आपके लिए एक ऐसा स्क्रब लेके आई हूँ जो आपके लिप्स को बहुत अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करेगा और आपकी लिप्स को बहुत अच्छा रखेगा, आपके होंठ को पिंक करेगा। और धीरे धीरे आप यूज़ करोगे ना तो आपके होंठ धीरे धीरे पिंक होने लगेंगे, जो कालापन है वो भी दूर हो जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, अपना लिप स्क्रब बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच शक्कर ली है, नॉर्मल जो घर में शक्कर होती है वही ली है, और मैं इसको कंटेनर में बना रही हूँ ताकि ये मेरा आगे चल के भी काम आ सके, स्टोर करके रख सकूँ। तो अब मुझे करना क्या है, इसमें आपको लेना है 1 चम्मच से भी थोड़ा से कम शहद लेना है। तो मैं आधा चम्मच लगभग शहद ले रही हूँ, ये मेरा घर का बना हुआ शहद है, आप कोई भी शहद ले सकते हो, हनी ले सकते हो। तो मैंने लिया है वर्जिन कोकोनट ऑयल पतंजलि का। अगर आपके पास वर्जिन कोकोनट ऑयल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह बादाम का भी तेल ले सकते हो। अगर आपके पास बादाम का तेल नहीं है तो आप इसकी जगह ऑलिव ऑयल ले सकते हो, नहीं तो आपके पास देसी घी तो होगा ही, सभी के घर में देसी घी होता है तो आप वो भी ले सकते हो। मगर बात याद रखिएगा कि आपको जो बालों में तेल लगाते हैं कोकोनट, वो बिल्कुल नहीं लेना है। और अब मैं इसमें आधी चम्मच कोकोनट ऑयल ऐड कर रही हूँ, वर्जिन कोकोनट ऑयल। ये देखिए, बस ये जो स्क्रब है ना आपके लिप्स के लिए बहुत ही अच्छा है, और कोकोनट ऑयल आपके स्किन लिप्स को स्मूथ करता है, हनी आपके स्किन लिप्स को मॉइस्चराइज करता है, और शुगर जो है आपके जो इसमें जो शुगर पड़ी है आपके जो डेड स्किन होती है ना लिप पे, वो उसको हटाने में हेल्प करता है। मैंने स्क्रब तैयार कर लिया है तो वो इस तरह से कुछ लगेगा, ये देखिए। और मैंने इसको इसीलिए डिब्बी में बना रखा है, कंटेनर में बना रखा है कि जब मैं यूज़ कर लूँ थोड़ा से और उसको फ्रिज में फिर वैसे ही पैक करके फिर फ्रिज में रख दूँगी, ताकि ये मेरा कम से कम नहीं तो 1 महीने तो लगभग लगभग चली जाएगा। इतना से स्क्रब हमारा 1 महीने काम कर सकता है। तो कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताती हूँ। तो बस अपनी फिंगर लेनी है और स्क्रब थोड़ा सा लेना है। ये देखिए कितने प्यारे पिंक कलर के लिप्स हो गए हैं, और मैंने लिप्स पे अभी कुछ भी नहीं लगाया, आप देख लीजिए। इसको दोबारा दिखा देती हूँ, कुछ भी नहीं लगाया है फिंगर पे, देखिए कुछ भी नहीं है। और जो स्क्रब है ना आपके लिप्स को बहुत ही स्मूथ करता है, ब्लड होती है ना आपका स्क्रब का काम करती है, वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है। जब आप यूज़ करते हो ना तो उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और बहुत अच्छा होता है। और हनी के फ़ायदे तो क्या पता है आपको, स्किन के लिए भी, हर चीज़ के लिए भी अच्छे हैं। और ऑयल आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, उसमें सॉफ्टनेस बनाए रखता है। तो अगर आपको पिंक और प्यारे होंठ पसंद है तो ये स्क्रब ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। चलो अब मैं एक लिपस्टिक शेड लगा के दिखाती हूँ आपको, तो बताइएगा कैसा लगता है। सबसे पहले मैं जो है लिप लाइनर लगाऊंगी। फ्रेंड्स, आपको ये लिप स्क्रब का वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हो सके तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि और लोगों का भी भला हो सके। तो चलो अब मैं चलती हूँ, बाय।